आज हम आपको शिवपुत्र जलंधर की कथा बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कौन है जलंधर, उसका जन्म कैसे हुआ। बड़ी रोचक कहानी है जलंधर की जन्म लेने की। जलंधर को शिवपुत्र क्यों कहा जाता है और शिव जी से जलंधर का क्या संबंध था, ये सब आज हम आपको बताएंगे। एक बार इंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। जब महादेव को इंद्र के आने का पता चला तो उन्होंने इंद्र की परीक्षा लेने के लिए एक योगी का रूप धारण कर लिया, फिर उनके रास्ते में बैठ गए। इंद्र ने योगी रूप में शिव जी से पूछा, तुम कौन हो। शिव जी ने बिना कोई उत्तर दिए शांति से वहां बैठे रहे। इंद्र ने अपना प्रश्न दोहराया, तब भी योगी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। यह देख इंद्र को बहुत क्रोध आ गया, क्योंकि इंद्र अभिमानी भी बहुत थे। उन्होंने अपने वज्र से योगी पर आक्रमण करने का प्रयास किया। यह देख शिव जी क्रोधित हो उठे। क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए। अब तक गुरु बृहस्पति समझ गए थे कि योगी के रूप में कोई और नहीं, भगवान महादेव हैं, भगवान शिव हैं। उन्होंने शिव जी से विनती की कि मैं इनका गुरु हूँ, इनकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, इन्हें कृपया माफ कर दीजिए, इंद्र को क्षमा कर दीजिए, ऐसा गुरु बृहस्पति ने कहा। गुरु बृहस्पति की विनती को स्वीकार कर शिव जी ने अपने नेत्र समुद्र की ओर कर दिए और इस प्रकार शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया, फिर वापस कैलाश की ओर निकल पड़े। महादेव ने अपनी क्रुद्धाग्नि को समुद्र में डाला, एक ऐसा स्थान जहां समुद्र और गंगा का मिलाप होता है, वर्तमान में इसे गंगा सागर कहा जाता है। शिव जी की क्रुद्धाग्नि से समुद्र से एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक बहुत जोर जोर से रोने लग गया। उसकी रोने की ध्वनि संपूर्ण संसार में फैलने लग गई। सभी देवता परेशान होने लग गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी उस ध्वनि का अनुसरण करते हुए समुद्र तक गए और बालक को उठा लिए। तब बालक ने ब्रह्मा जी को गले लगाकर वो रोने लग गया, जिस कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी ने इस बालक का नाम रखा जलंधर। शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक किया गया। समुद्र ने उसका पालन पोषण किया। जलंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। आगे जाकर जलंधर राक्षसों का शासक बना। ऐसा कहा जाता है जलंधर की शक्ति का रहस्य उसकी पतिव्रता पत्नी थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर को देवी देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे, जिस कारण जलंधर को बहुत अभिमान हो गया। उसे लगता था उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जलंधर ने अपने पूरे जीवन में बहुत सी गलतियां की, परंतु उसकी सबसे बड़ी गलती थी वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करना। वो देवताओं की पत्नी को सताने लग गया। केवल देवता ही नहीं, यहाँ तक एक बार उसने बैकुंठ पर आक्रमण कर लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मी जी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों की उत्पत्ति जल से हुई है, इसलिए हम दोनों के मध्य एक भाई बहन का संबंध है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर जलंधर बैकुंठ से वापस चला गया। इसके पश्चात वह कैलाश पहुंचकर पार्वती जी को अपने अधीन करना चाहता था। यह देख पार्वती क्रोधित हो उठी। इस कारण शिव और जलंधर के बीच युद्ध आरंभ हुआ, परंतु जलंधर की शक्ति कारण महादेव हर प्रहार में विफल हो जाते थे। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि देवों के देव महादेव आखिर जलंधर के उस प्रहार का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष पहुंचे। वृंदा ने सोचा कि जलंधर उसके पास आया है। वो भगवान विष्णु के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लग गई, जिससे उसका पत्नी धर्म टूट गया और कैलाश पर शिवजी जलंधर का वध करने में सफल हुए। सतीत्व टूट जाने कारण वृंदा ने लाश से आत्मदाह कर लिया। उसके शरीर के भस्म से उस स्थान पर तुलसी का पौधा उग गया, अर्थात तुलसी वृंदा का ही रूप है जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। अतः भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना कोई भी चीज स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।